A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. मैं बुशार बाग हूँ और मैं आप सब लोगों को हमारी वेरी लॉग सीरीज के पहले लेक्चर में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये सीखने सिखाने का सफर अच्छा गुजरे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा पहला लेक्चर, जिसके अंदर हम कवर कर रहे होंगे कॉन्टेंट्स जो हैं HDL, टाइप्स ऑफ HDL, इंट्रोडक्शन टू वेरी लॉग क्या है, ज़ाइलेंस क्या है, इसमें हम क्या काम करते हैं, सिंथेसिस और सिमुलेशन में डिफरेंस क्या है, वेरी लॉग मॉड्यूल किसे कहते हैं, साइंटिक्स क्या होता है, किस तरह से यूज करते हैं, डेटा टाइप्स क्या हैं, और फाइनली हम देखेंगे कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स हम ज़ाइलेंस में कैसे करते हैं, और लास्ट में हम देखेंगे हमारे आज के लेक्चर की समरी। थर्ड वे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, ये लफ्ज अपने नाम में ही अपनी पहचान रखता है। थर्ड वे डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जो हमारे हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती है। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे आप लोगों से कोई बात करनी है, कोई आइडिया कन्वे करना है, तो मुझे किसी एक पर्टिकुलर मीडियम की जरूरत है आप लोगों से बात करने की। वो मीडियम इस सूरत में एक लैंग्वेज है, यानी कि मैं अगर कुछ चाहती हूँ आप लोगों को बताना तो मैं उसको बोल के बता रही हूँ। एक लैंग्वेज है जिससे मैं कुछ बोल रही हूँ और आप लोगों को समझ आ रही है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने अपने हार्डवेयर अपने सर्किट्स को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एक लैंग्वेज यूज होती है जिसको हम हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज कहते हैं। अ लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ डिजिटल सर्किट्स। HDL हमारे पास एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें हम अपने सर्किट को डिस्क्राइब या डिजाइन कर रहे होते हैं कोड को यूज करते हुए कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस की हेल्प। HDLs are used to simulate circuits and check their response. हमारे पास जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस हैं इनको हम यूज कर रहे होते हैं हमारे सर्किट को सिमुलेट करने के लिए, यानी कि उसका बिहेवियर चेक करने के लिए, जिस तरह का हम सर्किट सोचें क्या उस तरह हमारा सर्किट एक्ट कर भी रहा है या नहीं। और इसकी एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल हमारे पास कंप्यूटर या कॉम्पोनेट्स ऑफ कंप्यूटर है। जिस तरह कंप्यूटर की कॉम्पोनेट्स की बात की तो उसके अंदर हमारे पास उसका ब्रेन आ जाता है, उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अब उस सबके अंदर क्या है, जिनमें सारी चिप्स हैं वो सारे सर्किट्स ही हैं, हम सर्किट्स की बात ही कर रहे होते हैं। तो यानी कि सर्किट्स की बात करें तो उसकी लैंग्वेज HDL की बात करेंगे। अब देखिए डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेज होती हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास हमारे हार्डवेयर को डिस्क्राइब करने के लिए भी बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं एक वो वेरीलॉग और दूसरा VHDL। अब बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है कि जो हमारा वेरीलॉग है ये थोड़ा सिंपल है, यानी कि इसके अंदर हम सी लैंग्वेज के कोड की तरह को कोड लिखते हैं तो इसलिए हम इसको सिंपल कहते हैं। जबकि जो हमारे पास VHDL है ये थोड़ी ओल्ड लैंग्वेज है और ओल्ड होने के साथ साथ थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी है। इसका अगर सेकेंड पॉइंट देखें, इट इज स्ट्रांगली टाइप्ड। स्ट्रांगली टाइप्ड से यहाँ मुराद ये है कि हमारा जो कोड है उसके अंदर हम एक एक लाइन डिफाइन कर रहे होते हैं। मतलब अगर मुझे लिखना है, अपना कोड स्टार्ट करना है तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा इनिशियल या बिगिन। मॉड्यूल स्टार्ट करें तो उसके लिए मॉड्यूल लिखना पड़ेगा। अगर मॉड्यूल एंड करना है तो मुझे वहाँ पे बताना पड़ेगा कि यहाँ पे मेरा मॉड्यूल एंड हो रहा है। बिल्कुल इस तरह अगर मैंने कोई मॉड्यूल के अंदर कोई फंक्शन शुरू किया है कोई चीज़, तो उसके अंदर मुझे बताना होगा कि मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रही हूँ, यानी कि इनिशियल, और फिर बाद में उसका एंड, जिसे हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं लाइन बाय लाइन कि स्टार्ट कहाँ हो रहा है, उसके अंदर क्या क्या प्रोसीजर्स हो रहे हैं और फाइनली एंड कहाँ। तो पढ़ते हैं अभी। वेरीलॉग इज यूज्ड टू मॉडल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, वेयर एज VHDL इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन टू डिस्क्राइब डिजिटल सिग्नल। वेरीलॉग इज वीकली टाइप, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो VHDL हमारे पास वो स्ट्रांगली टाइप है और स्ट्रांगली टाइप के अंदर इसके अंदर हमें एक एक लाइन बतानी पड़ती है, जबकि जो हमारे पास वेरीलॉग है इसके अंदर हमें इतना जरूरी नहीं होता कि हम इनिशियल भी बता रहे हो, ये भी बता रहे हो कि जी यहाँ पे एंड हो रहा है। बस हम इसके अंदर मॉड्यूल बताते हैं कि यहाँ पे मॉड्यूल शुरू हो रहा है और यहाँ पे मॉड्यूल एंड हो रहा है, और इसकी कोडिंग जो है वो अगेन बेस्ड ऑन सी लैंग्वेज, यानी कि इसके सिमिलर होती है। जिस तरह सी लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं वैसी कोडिंग हम इसके अंदर कर रहे होते हैं। अगर बात करें VHDL की तो उसके अंदर हम पास्कल और एडा लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं जो कि पुरानी लैंग्वेजेस हैं और इनका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता। अगेन वेरीलॉग इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड VHDL इज मोर कॉम्प्लेक्स, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का मैं बता चुकी हूँ। ये कॉम्प्लेक्स किस वजह से, क्योंकि हमें इसके अंदर हर एक एक लाइन को डिफाइन करना होता है। हमने बात कर ली हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज की,
हमने कहा उसकी दो टाइप्स हैं, उनमें से जो पहली टाइप है उस पर हमारा फोकस होगा क्योंकि ये थोड़ी सिंपल है। तो जब हमें इनिशियली स्टार्ट करना और सीखना तो वो सिंपल चीज से करेंगे ताकि हमें अच्छी समझ आए। तो हम वेरी लॉग से स्टार्ट करते हैं। वेरी लॉग का मतलब होता है वेरी फाइन लॉजिक। Verilog is a combination of two words, veritas and logos. Veritas is a Latin word for truth and logos a Greek word for reasons or ideas. Verilog means truth of your idea. मैंने अभी आप लोगों को कहा कि हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज डिस्क्राइब कर रही है हमारे हार्डवेयर को, यानी कि जो हमारा आइडिया है हार्डवेयर को डिजाइन करने का वो हम लोग देख रहे हैं इसके अंदर कि क्या वो उस तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यानी कि हमारे आइडिया को कितना इंप्लीमेंट हो रहा है हमारा आइडिया उसको हम डिस्कस करते हैं वेरिलॉग के अंदर। इट इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ हार्डवेयर जैसा कि पहले बताया। अब देखिए मैं कह रही हूँ डिस्क्राइब करना है हमने हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज में, तो डिस्क्राइब किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे किसी ना किसी जगह पे किसी ना किसी सॉफ्टवेयर में करेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं अपनी वेरिलॉग को डिफाइन करने के लिए उनमें आते हैं Xilinx, ModelSim और Ada Playground, और यहां पे हमारा फोकस Xilinx में होगा। अब सोचने की बात यहां ये है कि सर्किट्स भी डिजाइन करने हैं, उनका बिहेवियर भी चेक करना है। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंदर प्रोटियस हो गया, मल्टीसिम हो गया, ऑर्किड हो गया, और इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स जो हमें पहले से ही आते हैं। तो फिर क्या जरूरत है एक नया सॉफ्टवेयर सीखने की? तो इसका जवाब ये है कि जब हमने देखा था प्रोटियस, मल्टीसिम या इस तरीके के जितने भी सॉफ्टवेयर हमने काम किया था उसमें हम लोग सर्किट डिजाइन कर रहे होते हैं अपना, उसमें इस यहाँ तक तो काम चलेगा कि हम हाफ एडर डिजाइन कर दें, फुल एडर डिजाइन कर लें या मक्स वगैरह डिजाइन कर लें। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स में चले जाएं तो वहाँ पे इतने सारे एलिमेंट्स लेना, इतने सारे एलिमेंट्स को जॉइन करना यूजिंग वायर्स और ये सारी चीज़ें, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है काम। अब जब ये काम मुश्किल हो जाता है तो इसकी आसानी के लिए हमारे पास Xilinx है। अब Xilinx पे होता ये है कि हम अपने सर्किट को कोड की मदद से डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, यानी कि हम कोड लिखते हैं और उस कोड को Xilinx कन्वर्ट कर देता है सर्किट में, और फाइनली फिर हम उसको सर्किट को सिमुलेट करते हैं और उसकी सिंथेसिस की बात करते हैं। Xilinx ISE Integrated Synthesis Environment is a software tool from Xilinx for synthesis and analysis of HDI design, which primarily targets development of embedded system. अभी मैंने बात की synthesis की। अब जब हम Xilinx में देख रहे होते हैं तो दो चीजें हमारे पास आती हैं, एक simulation, दूसरी synthesis। इसके बारे में हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। अब हमने बात की हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेजेस दो तरह की होती हैं, Verilog और PHDL। Xilinx जो है उसमें हम दोनों तरह की लैंग्वेजेस से कोड कर सकते हैं। HDL is written to describe a piece of digital electronics. The behavior needs to be correct, verified via simulation and must be transferred into logic gates. तो अभी हम देखते हैं, हम यहाँ पे कह रहे हैं सिमुलेशन और सिंथेसिस की, तो अभी हम बात करते हैं कि सिमुलेशन और सिंथेसिस है क्या, बेसिक डिफरेंस क्या है। अच्छा, मैंने कहा कि हम लोग अपना कोड लिखते हैं और कोड से हमारा सर्किट बनता है। कोड लिखने में और कोड के बाद सर्किट बनने में इस प्रोसेस के ये प्रोसेस होता है हमारे पास सिंथेसिस के अंदर। सिंथेसिस में हमारे पास हमें एक चीज़ चाहिए होती है जो कि वेरिलॉग मॉड्यूल होता है, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। उस वेरिलॉग मॉड्यूल के अंदर हम कोड लिखते हैं, उसको उसका सिंटैक्स चेक करते हैं, सिंटैक्स चेक करने के बाद हम उसको आगे रन करते हैं तो हमारे पास सर्किट हमारा डिज़ाइन हो जाता है। प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन यूजिंग प्री डिफाइंड सेट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। मैंने कहा हमारे पास कोड होता है, कोड एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है हमारे पास, उस एब्स्ट्रैक्ट चीज से जब हम अपना सर्किट बना रहे हैं उस प्रोसेस को सिंथेसिस कहते हैं। एंड इट इज यूज टू कन्वर्ट वेरिलॉग डिस्क्रिप्शन इनटू सर्किट। द आउटपुट ऑफ लॉजिकल सिंथेसिस इज अ डिजिटल सर्किट, पर भी हम देखेंगे यहाँ पर। जबकि अगर मैं सिमुलेशन की बात करूँ तो सिमुलेशन में मैं अपने सर्किट का बिहेवियर चेक कर रही होती, यानी कि मैंने एक सर्किट बना दिया, उसका डिज़ाइन भी आ गया, वो सर्किट मेरे सामने आ गया, लेकिन क्या वो सर्किट सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये चीज़ हम चेक करते हैं सिमुलेशन में। इसके अंदर हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वेरिलॉग मॉड्यूल तो हमने पहले बना लिया जो हमने सिंथेसिस में यूज किया था। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पर चाहिए होती है वो होता है टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच में हम अपने नंबर ऑफ इनपुट्स या कॉम्बिनेशन बता रहे होते हैं उसको कि हमारे पास क्या क्या कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर हम टाइम डिले बता रहे होते हैं उसको और डिफरेंट चीज़ें हम इसके अंदर बता रहे हैं जो कि हम आगे डेफिनेटली डिस्कस करेंगे।
कोड से एक सर्किट बन जाता है। ये हमारे पास एक कोड का सर्किट आ गया। बिल्कुल इसी तरह जब हम बात करते हैं सिंथेसिस की, तो सिंथेसिस में हम उसका बिहेवियर चेक करते हैं, यानी कि क्या मेरा कोड सही तरह रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अंदर हमारे पास इनपुट्स होते हैं एंड आउटपुट्स होते हैं, जो कि इस सिचुएशन में हमारे पास जीरोस और वंस डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि हमारा कोड। अभी हमने सिंपल ये गेट्स के लिए चेक किया है, तो गेट्स के अंदर हम चेक करते हैं कि जीरोस कहाँ पे हमारा इनपुट हाई आता है, कहाँ पे हमारा इनपुट लो आता है, तो वो हम यहाँ से चेक करते हैं। जो नीचे वाली लाइन है ये बता रही है हमारे पास इनपुट हमारा लो है, फर्दर ये ऊपर वाली लाइन बताती है हमारा इनपुट कहाँ पे हाई। अब तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास ज़ाइलिंक्स क्या होता है, ज़ाइलिंक्स ISE क्या होता है, ज़ाइलिंक्स ISE कौन कौन सी दो लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि एक लैंग्वेज हमारे पास होती है वेरिलॉग लैंग्वेज, और जो दूसरी लैंग्वेज होती है हमारे पास होती है वो VHDL लैंग्वेज। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि जो हमारी वेरिलॉग लैंग्वेज है उसको हम लिखते किस तरह से हैं। तो बेसिकली वेरिलॉग लैंग्वेज को लिखने के लिए जो हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिलॉग मॉड्यूल। अगर मैं मॉड्यूल का कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहूँ, तो दैट मीन्स कि एक मॉड्यूल अगर हम इंग्लिश मीनिंग इसका देखें तो इसका मतलब होता है हमारे पास पार्ट्स। तो मॉड्यूल इज बेसिकली द पार्ट ऑफ योर कोड। आप अपने एक कॉम्प्लेक्स कोड को डिफरेंट डिफरेंट चंक्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं वेरिलॉग मॉड्यूल। अ डिजिटल डिजाइन, अ डिजिटल सर्किट इज डिस्क्राइब्ड इन वेरिलॉग एज अ सेट ऑफ मॉड्यूल। अगर मैं एक एग्जाम्पल दूंगा आपको, तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ हाफ एडर। अगर मैं हाफ एडर की बात करती हूँ तो उसके अंदर मेरे पास दो तरह दो गेट्स यूज होते हैं, एक मेरे पास गेट यूज होगा एक डोर गेट और एक मैं यूज करती हूँ एंड। And
जो हम लोग अपना कोड लिखते हैं उसको लिखने का सिंटेक्स हमारे पास किस फॉर्म में होता है। मॉड्यूल की डिक्लेरेशन की जाती है, देन मॉड्यूल के बाद हमारे पास उसका नेम लिखा जाता है, एंड देन उसके बाद हमारे पास आता है इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स की डिक्लेरेशन। हम लोग उसके बाद पोर्ट्स की डिक्लेरेशन करते हैं, एंड देन योर इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स डिक्लेरेशन अगेन इन द मॉड्यूल। यहाँ पे हमारे पास आ जाती है हमारे स्टेटमेंट, जो हमारा कोड होता है। अगर मैंने एक हाफ एडर बनाना है तो उसका कोड को मैंने किस फॉर्म में लिखना है वो डिफरेंट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। मैंने अपने कोड को लेट्स से कि मैंने हाफ एडर बनाना है, तो मैं अपने जो हाफ एडर के जो मेन स्टेटमेंट्स है ना वो इस मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे लिखूंगी। मॉड्यूल एक हमारे पास फ्रेमवर्क है और उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स लिखी जाती है, हमारे जो मेन सर्किट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट्स ऑफ एनी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के बारे में बताऊँ, तो हमारे पास चार तरह के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होते हैं। बेसिकली ये चीज़ होती है हमारे पास कि हमने अपना कोड किस तरीके से लिखना है, एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स, कोड की मॉडलिंग कैसे करनी है। तो उसके लिए हमारे पास तीन तरह के लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ जाते हैं। एक होता है हमारे पास गेट लेवल एब्स्ट्रैक्शन, द नेक्स्ट इज योर बिहेवियोरल, डेटा फ्लो एंड स्विच लेवल। अगर मैं अपने एक सर्किट की बात करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल हाफ एडर, जैसे कि मैंने पहले ड्रॉ किया था, अगर मैं उसका दोबारा ड्रॉ कर दूंगी, वैल्यू और मॉड्यूल की एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले अगर हम देखें तो
मॉड्यूल की जो मेन लाइन से शो हो रही है ये हमारी जो जाइलिंग आई सी है उसके एनवायरमेंट को शो कर रही है। जो मॉड्यूल के अंदर जो भी हम लोग कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग लिखते हैं, इसका एनवायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ये इंडिपेंडेंट होती है। जो डिजाइन मॉड्यूल, डिजाइन नेम, मॉड्यूल नेम, प्रोजेक्ट नेम, टारगेट डिवाइसेस, टूल वर्जन, दीज आर ऑल द एनवायरमेंट्स ऑफ जाइलिंग आई सी। देन हम लोग अपनी मॉड्यूल कीवर्ड की बात करते हैं। मॉड्यूल कीवर्ड फॉर अ हाफ एडर, कीवर्ड मॉड्यूल हाफ एडर नेम, मॉड्यूल नेम एंड देन इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स डिक्लेरेशन, इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स आउटपुट एस, आउटपुट सी इन एंड देन कम्स द स्टेटमेंट। इसके बाद हमारे पास आती है स्टेटमेंट। अगर हम इस कोड की बात करें तो हमारे पास स्टेटमेंट्स जो है ये डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग के फॉर्म में लिखी गई है। और इसके बाद हमारे पास आते हैं एंड मॉड्यूल, और ये इस तरह हम लोग एक कोड को लिखते हैं। एक दिस इज अ चंक ऑफ हाफ एडर। तो दिस इज मॉड्यूल डिक्लेरेशन, नेम ऑफ मॉड्यूल, इनपुट एंड आउटपुट डिक्लेरेशन एंड देन स्टेटमेंट ऑफ एनी एब्स्ट्रैक्शन लेवल, एंड मॉड्यूल द डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूल। ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, वेरिलॉग सिंटैक्स। अब जो हम लोग कोड लिखते हैं अपने वेरिलॉग के अंदर, कोडिंग करते हैं, उसके लिए हमारे पास हर कोड के लिए सिंटैक्स होता है। वेरिलॉग के अंदर सिंटैक्स लिखने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें से हमारे पास सबसे ज्यादा होता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर्स, प्रिमिटिव्स, व्हाइट स्पेस, कमेंट्स, ऑपरेटर्स एंड नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये सारे सिंटैक्स का पार्ट होते हैं। अब अगर हम इनको एक एक करके देखें तो हमारे पास सबसे आता है कीवर्ड। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर प्री डिफाइंड रिजर्व्ड वर्ड्स यूज इन प्रोग्रामिंग दैट हैव स्पेशल मीनिंग टू द कंपाइलर। दीज आर जस्ट कीवर्ड। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा है कीवर्ड था मॉड्यूल, और उसके साथ जो उसको एंड करने के लिए हम लोग जो कीवर्ड यूज किया होता है एंड मॉड्यूल। इस तरह से हमारे पास डायलिंग के अंदर, वेरिलॉग लैंग्वेज के अंदर हमारे पास होते हैं कुछ कीवर्ड्स, जिसमें हमारे पास है ऑलवेज, इनिशियल, मॉड्यूल, एंड, एंड मॉड्यूल, डिसेबल, डिजाइन, असाइन, असाइन, केस, ब्रीफ, इनपुट आउटपुट एंड एंड फंक्शन। हमारे कोड के अंदर जो कीवर्ड्स हम लोगों ने इस्तेमाल किए थे उनमें हमारे पास आते हैं मॉड्यूल, असाइन कीवर्ड एंड एंड मॉड्यूल। ओके तो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? आइडेंटिफायर्स आर रेफर्ड टू एज मेन दैट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल। तो बेसिकली ये आइडेंटिफायर क्या होता है कि हमारी किसी भी वेरिएबल को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है। दे आर जस्ट अ नेम। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने कीवर्ड लिखा मॉड्यूल, उसके बाद हम लोगों ने नेम दिया अपने मॉड्यूल को, कोई भी नेम बाय डिफॉल्ट जो भी हम लोग जो भी यूजर डिफाइंड होते हैं कि हमारे पास हम लोग इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। सो ये होते हैं हमारे पास आइडेंटिफायर्स। दीज आर द रिजर्व्ड कीवर्ड्स एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, कैन बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर, नो केसेस आर अलाउड इन आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स के अंदर हम लोग स्पेसेस नहीं डाल सकते, इट मस्ट स्टार्ट द लेटर और अंडरस्कोर, फॉर एग्जाम्पल हाफ एडर। कीवर्ड अगर हम बात करें तो हमारे पास हाफ एडर इज एन आइडेंटिफायर, ए इज एन आइडेंटिफायर, बी, एस, एन, सी, इन, दीज आर ऑल द आइडेंटिफायर विच आइडेंटिफाई। फॉर एग्जाम्पल ए की बात करें तो ए जो है हमारा आइडेंटिफाई करता है हमारे इनपुट को, बी हमारे आइडेंटिफाई करता है हमारे इनपुट जो बी है उसको। इसी तरह से आउटपुट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोगों ने जो वेरिएबल यूज किया होता है हमारे पास एस, एंड हाफ एडर जो हमने अपने मॉड्यूल का नेम दिया, दीज आर ऑल आइडेंटिफायर। ओके सो नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स आर प्री डिफाइंड वेज और एलिमेंट्स दैट कैन बी यूज इन कोड डायरेक्टली विदाउट एनी काइंड ऑफ डिक्लेरेशन। प्रिमिटिव्स हमारे पास वो गेट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो जाइलिंग्स के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, जो जिनको डायरेक्टली हम लोग डिक्लेयर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास गेट्स आते हैं, एंड गेट होता है, और गेट होता है, नैंड, एक्सॉर गेट, एंड मोस्ट। ये जो हमारे पास एंड मोस्ट है और जो सी मोस्ट है हमारे पास स्विच लेवल मॉड्यूल में डिफ्यूट किए जाते हैं, जबकि जो नैंड एंड और एक्सॉर गेट्स हैं दीज आर ऑल गेट एलिमेंट्स एंड दीज आर यूज इन आवर गेट लेवल मॉड्यूल। स्पेसेस जो
वैल्यू असाइन नहीं करते हैं
जो हमारी आउटपुट होती है वो एज ए वायर और एज ए रजिस्टर डेटा टाइप दोनों की तरह से डिक्लेयर की जा सकती है। तो नेट डेटा टाइप में क्या होता है, हमारे पास नेट इंटरनेट है कनेक्शन बिटवीन हार्डवेयर, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हार्डवेयर के दरमियान के कनेक्शन को बताता है बिकॉज इट इज अ फिजिकल डेटा टाइप। हार्डवेयर के दरमियान का कनेक्शन बताता है इट इज यूज टू स्टोर वैल्यू, इट इज नॉट यूज टू स्टोर वैल्यू। ये नेट डेटा टाइप हमारी वैल्यू को स्टोर नहीं करता, नेट आर क्लियर बाय कीबोर्ड वायर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है रजिस्टर डेटा, एब्स्ट्रैक्ट लेवल डेटा। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स इंक्लूड इंटीजर्स, टाइम, रियल पैरामीटर एंड इवेंट। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं वो इट स्टोर्स द 32-bit साइंस क्वांटिटी। टाइम जो हमारे डेटा टाइप होते हैं इट स्टोर 64-bit अनसाइंड क्वांटिटी फ्रॉम सिस्टम पास। एंड रियल डेटा टाइप इट स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट क्वांटिटी। पैरामीटर्स में हमारा इट सब्स्टिट्यूट अ कांस्टेंट इवेंट, इट डज नो होल्ड वैल्यू। इवेंट हमारा जो अभी तक हमने वेरी लॉग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है सिंटैक्स की। अब हम प्रीवियस वाले जो यूज करते हुए बेसिक लॉजिक लेयर्स की इम्प्लीमेंटेशन करते रहे। सबसे पहले हम डाटा फ्लो मॉडल यूज कर रहे हैं। इसमें हमने सबसे पहले मॉड्यूल को सेट किया गेट्स का, इनपुट्स को डिफाइन किया। हमारे पास बेसिक गेट्स जितने भी उनकी दो इनपुट होती हैं और एक आउटपुट है। नाम हम कैपिटल ए और बी को इनपुट और सी और डी ये सब हम आउटपुट दे रहे हैं अपने गेट्स के हिसाब से। डेटा फ्लो में हम प्लेस वैल्यू ऑन नेट्स एंड वेरिएबल्स। हम हर एक असाइनमेंट के साथ हर गेट के लिए हम असाइन यूज करते हैं डेटा फ्लो में। और नेक्स्ट हमारे पास है इसका टेस्ट फिक्सचर। जब हम इसकी सिंटेक्स चेक कर लेते हैं उसके बाद टेस्ट फिक्सचर पे आते हैं। उसमें हमने इसको गेट अप्लाई करना होता है, इसका टेबल अप्लाई करना जो रेड में मैंने इसको किया हुआ है। यहाँ पे ये बाकी सारा जो है एरे के हमारे पास होता है, ये जो है ये हमने यहाँ पे साइन करना होता है ट्रुथ टेबल। हम यहाँ भी कर सकते हैं और इसको आउटपुट पे भी जा कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो हमारे इनपुट्स हैं और ये सब आउटपुट्स हैं 0, 1। इनपुट्स के हिसाब से हमारी एड ऑपरेशन सिर्फ 1-1 पे आउटपुट दे रहा है हाई, और आर ऑपरेशन 0-0 पे 0 दे रहा है और बाकी सब पे दे रहा है 1। इसी तरह सारे लॉजिक गेट्स जो है उन्होंने आउटपुट इस तरह शो कर देता हूं। उसके बाद हमारा डाटा को यूजिंग ऑलवेज, पहले हमने असाइन यूज किया था, हर किसी के साथ यहाँ पे असाइन करना पड़ता था हर किसी को ताकि हर जो है ना आउटपुट इंप्लीमेंट हो सके। अब हमने ऑलवेज स्टेटमेंट यूज किया, बाकी सारा स्ट्रक्चर ऐड किया। हमने जो है ना वो मॉड्यूल सेट किया, इनपुट्स को डिक्लेयर किया और आउटपुट्स को डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने ऑलवेज की स्टेटमेंट लगाई है ए और बी पे। उसके बाद बिगिन किया हमने, अब हमें बिगिन की जरूरत नहीं है, असाइन करने की जरूरत नहीं है हर किसी को यहां पे। अब सारी स्टेटमेंट इकट्ठी रहने की, इसकी भी सेम आउटपुट उसी तरह। हमने दो इनपुट सप्लाई किए ए और बी, और जो हमारी गेट्स हैं वो इस तरह इंप्लीमेंट हो गए हैं अकॉर्डिंग टू उनके ट्रुथ टेबल के हिसाब से। उसके बाद हमारा बिहेवियर मॉडल है, इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। हम सेम प्रोसीजर जो है ना बिहेवियर मॉडल को यूज करते हुए करेंगे यूजिंग इफ एल्स। इसमें हम एंड गेट और आर गेट को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये बहुत लंबा कोड हो जाता है, इसलिए हम सिक्वेंशियल सर्किट्स के लिए जो है ना इफ एल्स को यूज नहीं करते। उसके लिए हम जो है केसेस अप्लाई कर लेते हैं, वो केसेस गेट्स को लग नहीं सकते, इसलिए हमने इसमें सिर्फ बेसिक कोड जो है ना इफ एल्स ही यूज किया। इसमें हम क्या करते हैं लॉजिक देखते हैं गेट की,
जिस पॉइंट पे आउटपुट में हमें हाई आ रहा है वैल्यू वन, उसको हम कर देते हैं लॉजिक में अप्लाई कर देते हैं इसमें, अगर ए और बी वन आ देगा तो हमारा जो एड ऑपरेशन है वो वन देगा, अदरवाइज एल्स पे जहां तक हमारा डिफरेंट वैल्यूज आएंगी या जीरो जीरो आएगा बाकी वैल्यू वहां पे हमारी एड ऑपरेशन जो आउटपुट मिलेगी वो जीरो है। यहाँ पे ट्रूथ टेबल के हिसाब से इसका मैंने वो बिहेवियर चेक किया कि बिहेवियर उसके हिसाब से हमने इफ एल्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। इसी तरह एज इट इज इसकी जो है वो आर गेट की भी इसी तरह इंटरप्रिटेशन होगी, जहां पर हमारे पास जीरो जीरो आता है आर गेट में वो हमारी आउटपुट आती है जीरो, और जिस जगह हमारा वन आता है इसके अलावा जितनी भी कंडीशन है जीरो वन वन जीरो वन वन वहां पर हमारे पास आर गेट की आउटपुट आती है वन, तो हमने इसको अप्लाई कर दिया। जिस जगह पे जीरो जीरो होगा आर गेट की आउटपुट आएगी जीरो, और जिस जगह पे उसके अलावा जो भी वैल्यूज आएंगी वो वन होगी। उसके बाद हमने स्ट्रक्चरल स्टेटमेंट यूज करनी है, ये हम आमतौर पर करते हैं जो सिक्वेंशियल सर्किट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसमें हम बायस को अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ बायस अप्लाई करते हैं क्योंकि ये जो हमारा गेट्स है बेसिक गेट्स इसमें हमें बायस की जरूरत नहीं है, सिक्वेंशियल नहीं है, दो इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है इसलिए उसके यूज नहीं किया, सिर्फ उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर इसमें हमने कर दिया। इसमें हमें क्या करना है एज ए मॉड्यूल डिफाइन करना है, इनपुट आउटपुट पिंस को डिफाइन करना है उसमें, और कौन सी इनपुट है कौन सी आउटपुट है ये हमने अलग से डिफाइन कर दी। उसके बाद हमने जो बेसिक जो रिजर्व वर्ड्स होते हैं एंड और जो प्रिमिटिव्स कहते हैं इनको एंड और देन और सारे बेस को हमने इधर इनके प्रिमिटिव्स अप्लाई किए और ये हमारी पहली आउटपुट, और बाकी दोनों में हमारा ऑपरेशन अप्लाई होगा एंड का और का या नैन का। एज इट इज हमारा जैसे पहले दोनों इनपुट है जीरो वन जीरो वन और ये जीरो जीरो वन वन इनपुट आ गई दोनों, और एज हमारा जो है वो आउटपुट भी इसी तरह से हो जाएगी। एंड गेट की सी से हम एंड गेट अप्लाई कर रहे हैं और डी से हम आर गेट अप्लाई कर रहे हैं। एंड गेट में जहां पे हमारी दोनों वन होंगी तो हमारी आउटपुट हाई आ जाएगी, और जहां पे दोनों जीरो होगी आउटपुट आर गेट की लो होगी बाकी सब पांच पे हाई होगी, इसी तरह बाकी सब गेट्स पे भी। उसके बाद समराइज करते हैं सारे लेक्चर को, अभी तक जो हमने पढ़ा जाइलिंग को एसबीएम, इसमें हमने दो तरह की वो लैंग्वेज के बारे में देखा बीएसबीएम और वेरीलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। अब जो एसबीएम है वो हमारे पास्कल और एडा लैंग्वेज पर बेस करती है, जबकि जो वेरीलॉग है उसी लैंग्वेज पर बेस करती है। हमने इसमें अपना जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वेरीलॉग को लेकर चले हैं क्योंकि ये बेसिक है आसान है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बीएसटीएल को भी करेंगे। वेरीलॉग में हमारे पास जो है वो डिस्क्राइब करता है बिहेवियर ऑफ हार्डवेयर, इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने की है इसमें जाइलिंक्स में, और सिंटैक्स और एनालिसिस अप्लाई करते हैं जाइलिंक्स में, हम इसमें सिमुलेशन और सिंथेसिस को चेक किया। उसके बाद वेरीलॉग मॉड्यूल का बेसिक स्ट्रक्चर जो फ्रेमवर्क है वो देखा, फ्रेमवर्क में हमने कीवर्ड्स जो हम यूज करते हैं उसमें, उसके अलावा आइडेंटिफायर्स प्रिमिटिव्स जो एंड गेट आर गेट और सारे हम यूज कर रहे थे, रिजर्व वर्ड्स के तौर पर यूज होते हैं, कमेंट्स अपनी एक्सप्लेन करने के लिए कोड ऑपरेटर्स यूज किए, नंबर प्रेजेंटेशन देखी। उसके बाद हमने देखा डेटा टाइप्स देखी, हमने तीन तरह के डाटा टाइप देखी, वो फिजिकल डाटा टाइप और जिसमें हमने नेट रजिस्टर्स और चार्ट्स और नोट्स देखे। उसके बाद सेकंड थी अब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, इसमें इंटीजर टाइम रियल इवेंट पैरामीटर्स देखे। उसके बाद हमने गेट्स की इंप्लीमेंटेशन करके देखी, चार मुख्य तरह के तरीके से। अच्छा अब हम एक बेसिक कोड अप्लाई करके देखेंगे जाइलिंक्स पे, सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट ओपन करना,
नाम सेट कर लेना। यहां से हमने वैली लॉग पे काम करें तो वैली लॉग सेलेक्ट कर लेना, वैली लॉग मॉड्यूल। और अगर VHDL पे काम करना तो VHDL मॉड्यूल पे सेलेक्ट कर लेना। अभी हम वैली लॉग सेटिंग किया तो वैली लॉग पे करेंगे, इसको हमने नाम दे लेना जो हमारा मॉड्यूल होगा उसको। हमने डेटा फ्लो के एक बेसिक सिर्फ एड और आर गेट का कोड देख रहे हैं। जैसे हमने पहले देखा था इसमें हमने सबसे पहले मॉड्यूल डिफाइन किया डेटा फ्लो गेट्स की इंप्लीमेंटेशन के लिए, और इनपुट पोर्ट ए बी और नैंड गेट और आर गेट को आउटपुट के तौर पे हमने ले लिया। हम डेटा फ्लो में कर रहे हैं कारण इसलिए दोनों गेट्स के आउटपुट के लिए असाइन हमें करना पड़ा, असाइन एड असाइन आर। इसको इसके बाद हमने सिंटैक्स चेक करना है इसका। सबसे पहले उसके बाद सिंटैक्स चेक करने के बाद इसका आरटीएल भी देख लेना सिंथेसिस। ये डेटा फ्लो गेट्स का मॉड्यूल दिखा रहा है, इसका हम इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना डबल क्लिक करके चेक करेंगे। हमने एक एड ऑपरेशन चेक किया था अप्लाई किया था और एक और ऑपरेशन, ये हमें इसका मॉड्यूल मिल गया। उसके बाद हम इसको अब वेवफॉर्म चेक करेंगे। यहाँ से हमने सिमुलेशन पे जाना, प्रोजेक्ट न्यू सोर्स अप्लाई करना। अब हमने यहाँ पे पहले किया था वैरिलॉग मॉड्यूल पहले सेट किया था, अब हमने वैरिलॉग टेस्ट फिक्सचर करना, इसको नाम दे देना। यहां से चेक कर लेंगे कि ये हमारी जो है वो डेटा फ्लो गेट्स को पिक कर रहा है जिसके लिए हमने फिक्सचर चेक कर लिया। ये हमारा आ गया है टेस्ट फिक्सचर। इसमें हमने दो तरीके थे, एक तो हम यहाँ पे गेट इसको जो है वो ट्रुथ टेबल अप्लाई कर सकते हैं या फिर हम वेव फॉर्म में जाके पल्स जनरेट करते हैं। हमने इसको गेट अप्लाई कर दिया, दोनों इनपुट्स हैं ए और बी। एमएसबी में हमारी है ए, एलएसबी पे बी रखा है 0101 और 001, दो बिट का इसलिए हमने चार लिखे हैं। अब इसका हम बिहेवियर चेक करते हैं। पहले उसके बाद सिमुलेशन देखने वाले डबल क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एंड गेट और ऑर गेट आउटपुट के तौर पर पहले दो आउटपुट हैं और ए और बी हमारी इनपुट पिन है। ये हम देख सकते हैं, इसको अगर मैं इनिशियल पॉइंट पर रखूंगा 0 0
हमें पता है 0 0 इनपुट दें तो हमारा आर गेट जो है वो भी 0 देता है और एंड गेट भी 0 देता है, तो हमें ऊपर दोनों 0 0 शो रहे हैं और वेव फॉर्म में भी ये 2 शो कर रहे हैं। उसके बाद इनपुट पे 0 1, तो हमारी 0 1 पे हमारी आर गेट जो है जो बी पे आर गेट आर गेट के बाद उस पर हमारा हाई आउटपुट देता है 1, और जो एंड गेट है वो 0 1 पे भी 0 देता है। इसी तरह 1 0 पे एंड गेट 0 दे रहा है और आर गेट मैंने 1 दे रहा है, और जो हमारी 1 1 है वहां पे दोनों इनपुट क्या है दोनों आउटपुट क्या है वो 1 दे रहे हैं। सो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा बेसिक्स कि वेरिलॉग क्या होता है, ज़ाइलिंक्स क्या है, किस तरह ज़ाइलिंक्स में कोडिंग की जाती है, और हमने देखी कि किस तरह के डेटा फ्लो मॉडल्स हैं हमारे पास। फाइनली हमने लास्ट में समरी देखी और उसके बाद हमने इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गेट्स देखी कि गेट्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमने यहाँ पे आपको 2 तरह के गेट्स इम्प्लीमेंट करके दिखाए, जिसमें पहला एंड और दूसरा और था। अब आप लोगों के लिए छोटी सी असाइनमेंट है वो ये कि आप लोगों ने जितने बेसिक गेट्स हमारे पास हैं 7, उनको किसी भी लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन से उनको सॉल्व करके उनको इम्प्लीमेंट करके देखना है। जिसके अंदर आप लोग स्टार्ट में है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी आप लोग डेटा को मॉडल से ट्राई करें। सिंपल आपको ने कमांड देनी है, उसके बाद आप लोगों ने गेट बताना है। जिस तरह हमने यहाँ पे एंड गेट बताया था, एंड गेट के अंदर हमने करके दिखाया था, बिल्कुल इसी तरह आप करके दिखा सकते हैं। और इंशाल्लाह आगे हम इसे अगले लेक्चर में हम इसे आगे देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं। इसी के साथ फिर अपना लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह।